हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे इस टेक्निकल मेहताब यूट्यूब चैनल में, और मैं हूं आपका दोस्त मेहताब आलम। दोस्तों, आज का वीडियो देखते ही आपको रोना आ जाएगा और साथ ही साथ ये पता चलेगा कि सोशल मीडिया की पावर कितनी ज्यादा होती है। खैर, हम मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात यह है कि दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक बुजुर्ग दंपति की एक छोटी सी ढाबा है जिसका नाम है बाबा का ढाबा। बुजुर्ग व्यक्ति बताते हैं कि ये ढाबा हम 30 साल से चला रहे हैं और इस ढाबा को चलाने में हमारी पत्नी मदद करती है। बुजुर्ग का नाम कांता प्रसाद और उनकी पत्नी का नाम बादामी देवी है। 80 साल के इस बुजुर्ग ने बताया कि वो और उनकी पत्नी सुबह 6:30 बजे उठकर खाना बनाने की तैयारी करते हैं। जब लोगों ने उनसे उनकी कमाई के बारे में पूछा तो बुजुर्ग व्यक्ति रोने लगे और कहते हैं कि 4 घंटों में सिर्फ 50 रुपये ही कमा पाते हैं। उनका कहना था कि कमाई तो पहले भी बहुत नहीं थी, लेकिन कोरोना काल में हाल बद से बदतर हो गया है, और फिर रोने लगे। तो रोते हुए बुजुर्ग व्यक्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर किसी ने पोस्ट कर दिया और सभी लोग अपने तरीके से पोस्ट करना शुरू कर दिए, और देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो गया। आपको बता दें कि बाबा का ढाबा पहले खाली पड़ा था, कोरोना वायरस की वजह से जल्दी कोई जाना नहीं चाहते थे, लेकिन अब इस ढाबे पे भीड़ लगी है, लोग खाना खाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने ट्वीट किया है कि जो कोई भी बाबा का ढाबा पे खाना खाएगा वो मुझे एक तस्वीर भेजे, मैं उन तस्वीरों को प्यारे से संदेश के साथ पोस्ट करूंगी। आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने ट्वीट किया है कि बाबा का ढाबा जैसे बुजुर्ग लोगों को हेल्प करने के लिए मुहिम करना शुरू कर रहा हूं। कुछ लोग इन्हें कैश देकर मदद कर रहे हैं तो कुछ लोग इनके साथ सेल्फी ले रहे हैं। कांता प्रसाद बताते हैं कि उनके 2 बेटे और 1 बेटी है, लेकिन कोई भी मदद नहीं करता है, वो सारा काम खुद और उनकी पत्नी करती है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करें ताकि मालवीय नगर के लोगों तक ये बात पहुँच सके, इवन दिल्ली तक ये बात पहुँच सके। और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि अगर आप मालवीय नगर या मालवीय नगर के आसपास में रहते हैं तो बाबा का ढाबा में खाना जरूर खाएं, और दिल्ली वालों, अगर आपको मौका मिले तो इस बुजुर्ग व्यक्ति के हाथ का खाना जरूर खाएं। आज बाबा का ढाबा की बात आई है, ऐसे भारत में न जाने कितने दुकान हैं जो जैसे तैसे करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों का भला हो सके। कर भला तो हो भला, अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो खुदा आपको मदद करेगा। दोस्तों, ये वीडियो बनाना मेरी जिम्मेदारी थी और इस वीडियो को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें। अगर आप ऐसे ही वीडियोस और चाहते हैं तो हमारे इस टेक्निकल मेहताब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।